सभी को बेटा क्या प्रॉब्लम है? डिस्कनेक्ट, अच्छा नेटवर्क इशू है। देखो एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है, पोइसिस है, और दूसरा क्या, एरिथ्रो। आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। डेफिनेशन में क्या लिखा, देखो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच ओरिजन डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। लिखो बेटा डेफिनेशन, इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। देन इसके बाद साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जाता है कि साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, राइट? यहां लिख रहा हूं साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस कहां कहां से, कौन कौन से साइट से आरबीसी का निर्माण होता है। एरिथ्रोपोइसिस का मींस होता है कि कौन कौन से साइट से एरिथ्रोपोइसिस रन होता है, राइट? साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यह समझ में आ रहा है बेटा? यह कलर साफ दिखाई दे रहा है, साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। वंदना सुनाई दे रहा है? मयूरी? यस सर। क्लियरली दिखाई भी दे रहा है? यस सर। ठीक है, यानी कि साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, और यहाँ लिख लो इंपॉर्टेंट, यहाँ पूछा जाता है एरिथ्रोपोइसिस की साइट को पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस नंबर वन, अगर यहाँ पे नंबर वन डालते हैं, हम लिखते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। कौन सा पीरियड? एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में आरबीसी का कहां से निर्माण होगा? एम्ब्रियोनिक पीरियड में आरबीसी का कहां से निर्माण होगा? एम्ब्रियोनिक पीरियड, राइट? एम्ब्रियोनिक पीरियड जानते हैं आप? एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक जो पीरियड होता है वह होता है बेटा जीरो से लेके, जीरो डे से लेके 8 वीक तक का जो पीरियड होता है, जो गेस्टेशन होता है, यानी कि लेडी को प्रेग्नेंट हुए अभी 8 वीक से ज्यादा नहीं हुआ है, उस पीरियड को बोलते हैं क्या? एम्ब्रियोनिक पीरियड, राइट? और इसमें, इस एम्ब्रियोनिक पीरियड में ब्लड का फॉर्मेशन, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस कौन से साइड से रन होता है, यहाँ आप जवाब देंगे कहां से होता है? योक सेक से होता है। कहां से होगा? योक सेक से होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अप टू 2 मंथ एम्ब्रियोनिक पीरियड ना आके क्या आ सकता है? अप टू 2 मंथ आ सकता है, अप टू 2 मंथ। तो कंफ्यूजन नहीं होना, अप टू 2 मंथ का मतलब समझ रहे हो? 1 महीने में कितने वीक होते हैं? 1 महीने में 4 वीक होते हैं, वहां कितना लिख रहा है मैंने? 8। अप टू 2 मंथ, 2 मंथ तक के जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, वहां से ब्लड का फॉर्मेशन कौन से प्लेस से होगा? योक सेक से होगा। योक सेक क्या होता है? ये जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइज प्रोडक्ट इस टाइप से होता है, राइट? मान लीजिएगा ये फर्टिलाइज प्रोडक्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं, राइट? योक मीन्स अंडा। आपने जो जनरली मुर्गी का जो अंडा देखा होगा, मुर्गी का अंडा को इस प्रकार से कट करोगे आप, कट करने के बाद जो आप पार्ट है इस प्रकार से, राइट? एक पार्ट तो आपको व्हाइटिश कलर का दिखेगा, और उसके अंदर वाला जो पार्ट है बेटा, वह पार्ट आपको कैसा दिखाई देगा? यानी कि पीला कलर का दिखाई देगा। ये वाला पार्ट कैसा दिखा? येलोविश कलर का देगा, पीला कलर का देगा। इस पीले कलर के पदार्थ को, इस पीले कलर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? योक सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योक सेक, राइट? इसी योक सेक से क्या होता है? अप टू 2 मंथ तक आरबीसी का निर्माण होता है।
यानी कि एरिथ्रोपोइसिस अप टू 2 मंथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ रन होता है, योग सैक के अंदर होता है, याद रखना कहाँ होता है, योग सैक के अंदर, इंपॉर्टेंट है, योग सैक के अंदर होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन सेकंड अगर हम बात करें, किसी को कोई डाउट है? सेकंड पॉइंट एम्ब्रियोनिक 8 वीक के बाद, याद रखना जैसे 8 वीक के बाद हम बात करते हैं 9, 10, 11, 12 डैश डैश डैश, इधर फीटस काउंट होता है 8 वीक तक और 8 वीक से पहले, राइट। एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है 8 वीक के बाद, यानी कि 9, 10, 11, 10, 10, 10 इधर फीटस काउंट होता है जब तक डिलीवर ना हो, और डिलीवरी होते उसको बेबी बोलते हैं। जैसे अर्ली डिलीवरी होती 7 डेज तो न्यूनेट, अर्ली न्यूनेट बोलेंगे 28 दिन को, लेट न्यूनेट बोलेंगे, और 29 से लेके 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर इन्फेंट आएगा, तो सेकंड में अब मैं पूछ रहा हूँ फीटस, देखो यहाँ ऑप्शन में लिख रहा हूँ फीटस, यानी कि फीटस के अंदर कौन से साइड से आरबीसी का या एरिथ्रोपोइसिस रन होगा। फीटस यानी कि यहाँ से लिखो, फीटस का मीन्स होता है 2 मंथ से लेके 6 मंथ तक की बात कर रहा हूँ, 2 मंथ से लेके 6 मंथ तक, देख रहे हो 2 मंथ से लेके फीटस 6 मंथ तक, 9 मंथ तक फीटस ही कहलाता है बेटा, जब तक 8 मंथ के आफ्टर, सॉरी 8 वीक के आफ्टर जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है उसको फीटस ही कहा जाता है, जब तक वो डिलीवर ना हो जाए, राइट। अगर 2 महीने से 6 महीने का जो फीटस है उसके अंदर ब्लड कहाँ से, मतलब यानी कि एरिथ्रोपोइसिस कौन कौन सी जगह से रन होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आता ही आता है, याद रखना इस टाइम में ब्लड कहाँ कहाँ से फॉर्म्ड होगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं आपको, यानी कि लीवर, लीवर से होगा, याद रखना लीवर मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन मेनली कहाँ से होता है, लीवर से मोस्ट कॉमन होता है, लिख लेना, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑप्शन में, लीवर से होगा और लीवर मेन होता है, राइट। देन सेकंड कहाँ से होगा, सेकंड में यही लिख देता हूँ, सेकंड होगा स्प्लीन से, थर्ड कहाँ से होगा, इसी मतलब 2 to 6 मंथ के अंदर थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से, एंड लीवर स्प्लीन थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फ नोड, एंड लिम्फ नोड, यानी कि 2 साल के बच्चे के अंदर जो ब्लड का निर्माण होता, सॉरी जो फीटस है 2 to 6 मंथ का, कितने मंथ का बेटा, 2 से 6 मंथ का जो फीटस है उस फीटस के अंदर एरिथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ पे रन होता है, मेनली लीवर पे होता है। अगर ये सारे ऑप्शन दे रखा है और पूछा गया है कि फीटस के अंदर एरिथ्रोपोइसिस कौन से साइड से होगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, लीवर, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी बेस में सबसे कॉमन जो फॉर्मेशन होता है एरिथ्रोपोइसिस का वो कहाँ से होता है, लीवर, सेकंड प्रायोरिटी आपकी स्प्लीन होगी, और थर्ड प्रायोरिटी आपकी थाइमस ग्लैंड होगी, और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी लिम्फ नोड होगा, राइट। यानी कि 2 से 6 मंथ के फीटस के अंदर लीवर से कॉमनली होता है, स्प्लीन से होता है, थाइमस ग्लैंड से होता है, और लिम्फ नोड से होता है, राइट। और एक बात और याद रखना, स्प्लीन थाइमस ग्लैंड और लिम्फ नोड ये तीनों लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, कौन से सिस्टम के होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन, इन तीन ऑर्गन से पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है, किसकी से, स्प्लीन से, थाइमस से और लिम्फ नोड से, इन तीन सिस्टम से क्या बना, तीन ऑर्गन से क्या बना होता है, पूरा सिस्टम बना होता है, जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तीसरा पॉइंट फिर फीटस डाला मैंने, क्या डाला, फीटस, लेकिन यहाँ पे फीटस की जो उम्र थी कितनी थी, 2 to 6 मंथ का, और यहाँ पे जो उम्र लिख रहा हूँ वो है 6 to 9 मंथ, कौन सा, 6 to 9 मंथ, राइट। यानी कि फीटस 6 to 9 मंथ में कौन से साइड से एरिथ्रोपोइसिस रन होगा, यानी कि कौन से साइड से ब्लड का फॉर्मेशन होगा जब फीटस 6 to 9 मंथ का होगा, तब कहाँ कहाँ से होगा, तो याद रखना रेड यहाँ पे होता है, यहाँ लिख रहा हूं रेड
बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, यानी कि रेड बोन मैरो से होगा, ऑफ ऑल बोन कहां से होगा, रेड बोन मैरो से होगा, और रेड बोन मैरो कहां होता है, बोन के अंदर होता है, यानी कि 6 to 9 month फीटस की एक ऐसी उम्र होती है जहां पर प्रत्येक बोन से बॉडी के अंदर जितने भी बोन होते हैं फीटस के अंदर लगभग 300 के समथिंग होती है, फीटस के अंदर 300 के समथिंग होती है, एडल्ट के अंदर 206 होती है, 206 एडल्ट के अंदर होती है और लगभग 300 के समथिंग किसमें होती है, फीटस में होती है, लगभग 300 में से ब्लड का फॉर्मेशन होता है बेटा इस उम्र में फीटस की 6 to 9 month की एज में, रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन सभी बोन के अंदर एरिथ्रोपोइसिस रन होता है फीटल की जब एज होती है 6 to 9 month। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सभी बोन से एरिथ्रोपोइसिस रन होता है तो बताइए कौन सी एज में होता है, तो आप लिखेंगे 6 to 9 month की उम्र में होता है, 6 to 9 month की उम्र में होता है, और 6 to 9 month की जो उम्र होती है उसको फिटस उम्र, राइट, फिटस उम्र यानी कि फिटस उम्र है 6 to 9 month आफ्टर डिलीवरी के बाद की उम्र नहीं कह रहा हूं मैं, फिटस की उम्र यानी कि बेबी पेट के अंदर है और उसको पेट के अंदर यानी कि कितना टाइम हो गया, 6 से 9 महीने के अंदर है, तब उस टाइम पे उसकी पूरी बोन के अंदर, पूरी बोन के अंदर क्या होगा, रेड बोन मैरो होगा और उस पूरे रेड बोन मैरो से क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस रन होता है, यानी कि ऑल बोन से आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। यह बात आपको समझ में आया। देन फोर्थ पॉइंट में लिखो आप फिटस, 9 month हो गया बेटा, इसके बाद लिखो आफ्टर एज ऑफ, यहां लिख दो आफ्टर एज ऑफ 20 years, यानी कि 20 साल के बाद, आफ्टर एज ऑफ 20 years यानी कि जन्म हो गया, यहाँ पे फिटस का क्या हो गया था, जन्म हो गया, यहाँ पे बेबी कहलाया, अब 20 साल के बाद यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, ठीक है बेटा, साइट ऑफ एरिथ्रोसाइट मतलब 20 साल के बाद ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, राइट, कहाँ से होगा बेटा, यहाँ लिख रहा हूं इसमें, यहाँ पे एक चीज याद रखना, यानी कि ऑल स्पॉन्जी बोन, ऑल स्पॉन्जी बोन्स याद रहेगा, यानी कि जितनी भी स्पॉन्जी बोन है उन सबसे होगा, जितनी भी स्पॉन्जी बोन है बेटा उन सबसे क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन होगा 20 साल के बाद, यानी कि मेम्ब्रेनस बोन, स्पॉन्जी का मीन्स होता है जो मेम्ब्रेनस बोन, यहाँ लिख रहा हूँ ऑल मेम्ब्रेनस बोल दो, क्या बोल दो, मेम्ब्रेनस बोल दो या स्पॉन्जी बोन बोल दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक दो का नाम लिख लेता हूँ, एक दो के नाम में यहाँ से एग्जाम्पल आप डालोगे तो देखो कौन कौन सी होती है, एक तो होता है बेटा एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि जो लॉन्ग बोन का एपिफाइसिस पार्ट है वो भी कैसा होता है, स्पॉन्जी, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस से होगा, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस से नहीं होगा, राइट, देन हील एंड क्रेस्ट से होगा, हील एंड क्रेस्ट ये पेल्विक बोन के अंदर आता है, पेल्विक बोन के एक पार्ट होता है हील एंड क्रेस्ट, यहां तक आपको समझ में आया बेटा, यानी कि और पेल्विक गर्डल से होगा, कहां से होगा, पेल्विक गर्डल से होगा, देन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा से होगा बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी कि 20 साल के बाद जितने भी मेम्ब्रेनस या फिर स्पंजी बोन्स होती है वहां से क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन होगा, राइट, फॉर एग्जांपल जैसे एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, हील एंड क्रेस्ट, पेल्विक गर्डल,
एंड वर्टिब्राई, लिख लो बेटा वर्टिब्राई, देन यहाँ लिख लो ईटी एटसेट्रा, और भी होता है, बस इतना याद रखना है आपको। यहां तक आपको समझ में आया? देन इधर देखो, देखो एक लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिसऑर्डर, ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ ऑल बोन, ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ ऑल बोन, ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ ऑल बोन, ठीक है, ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ ऑल बोन कॉमा द आरबीसी कॉमा डी आरबीसी। देखो पहले समझ लो, जब पूरी बोन के अंदर एडल्ट की जो बोन होती है, जो स्पंजी बोन्स होती है, आपको सिंपल शब्द बोल सिंपल शब्द में समझ लो कि 206 बोन के अंदर भी क्या हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, बोन कैपेबल नहीं है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, तो उस कंडीशन में जब मरने की नौबत आ जाती है उस कंडीशन में ब्लड का फॉर्मेशन करेगी बेटा कौन, स्प्लीन, यानी कि ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ ऑल बोन द आरबीसी प्रोड्यूस द आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय स्प्लीन बोन्स। देखो ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ ऑल बोन्स द आरबीसी are produced, the RBC are produced by spleen, important है बेटा, are produced spleen, कहां से होता है, जब all bone के अंदर disorder हो जाए, bone capable नहीं है RBC के formation के लिए, तब उस condition में उस spleen blood का formation करती है एडल्ट के अंदर भी, इसीलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड स्प्लीन को क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं, एक तो फॉर्मेशन करती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, और क्या करती है बेटा, लगभग 350 ml ब्लड को भी क्या करती है, स्टोर करके रखती है, क्या करती है, स्टोर करके रखती है, जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आती है, क्या आती है, जब लाइफ थ्रेटनिंग क्या आती है, उस थ्रेटनिंग कंडीशन में ये क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। आजा बेटा, सर वेट कितना होता है स्प्लीन का, 120, हाँ इतना होता है, 120 से 50 रख सकती है। आरबीसी कितनी होती है, माइक्रोग्राम में होती है ना, 7.2 डायमीटर होता है ना, फिर भी उसका सरफेस एरिया कितना है पता है आपको, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एरिया से 2000 गुना अधिक, इतना है 2000 गुना अधिक, एक आरबीसी का जो सरफेस एरिया है वो 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर है, और ऑल बॉडी आर यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी आरबीसी है उनका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 3820 स्क्वायर मीटर है कि नहीं बेटा, सरफेस एरिया होता है वो करके, वो स्पंजी है, स्पंज इतना सा होता है, कितना लीटर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अरे स्पंज देखा, स्पंज कॉटन रुई पानी में डालो पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगी वो, राइट, ये भी ऐसा ही करती है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ दी बॉडी। और कितना स्टोर करते हैं, 350 ml से ब्लड स्टोर करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, सप्लाई करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक ऑफ दी बॉडी। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या होती है, जो आरबीसी होती है, वह आरबीसी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर आरबीसी भी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि स्प्लीन दफन होने के लिए, सॉरी आरबीसी दफन होने के लिए कहाँ जाती है, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन का एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ग्रेव। क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का क्या है बेटा, एक कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहां तक आपको समझ में आया, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बेटा, सभी ने राइट डाउन किया, लिखा सभी ने, वंदना डायमंड जल्दी करो, लिखो, लिख लिया। फोटो ले लो, एक बार फोटो ले लो बेटा, सभी आप भी ले लो बेटा, मैं